Hello students, this is Ajay Bansal and today we will discuss the most important topic of class 12, that is 14 principles of Henry Fuel. So students, पहले हम ये जानेंगे कि principles क्या हैं and management principles क्या हैं. उसके बाद हम इन 14 principles of Henry Fuel की बात करेंगे. Principles are general guidelines जो हमें method, technique वे प्रोवाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से वर्क करना चाहिए. एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो जनरल गाइडलाइंस विच हेल्प इन मैनेजमेंट, जो हमें मैनेजरियल डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं. सो नाउ लेट्स बिगिन 14 प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल. फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट हेनरी फ्यूल. तो हेनरी फ्यूल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे. इनका जन्म 1841 में इस्तानबुल में हुआ था. 1925 में इनकी डेथ हो गई पेरिस में. इन्होंने एक बुक लिखी थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से 1916 में. तभी से इनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है. इनिशियली इन्होंने एज ए माइनिंग इंजीनियर वर्क किया था एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही वाज ट्रीटेड एज अ ग्रेट सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल मैनेजर. दीज आर द 14 प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल. नाउ लेट्स बिगिन द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल, दैट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क. और इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने कहा फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्क हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल वर्क को अपने एम्प्लॉइज में एज पर कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्किल्स, नॉलेज, टैलेंट के बिहाफ पे डिवाइड कर देना चाहिए और बर्डन ऑफ वर्क को शेयर कर देना चाहिए एम्प्लॉइज में, ताकि वो अच्छे से वर्क कर सकें, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके और हर एम्प्लॉय को उसके स्पेशलाइज जोन में ही वर्क देना चाहिए. नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने कहा कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस मेंटेन करना चाहिए. देयर शुड बी इक्वल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन एम्प्लॉय. अगर आप किसी एम्प्लॉय को अथॉरिटी दे रहे हैं तो उसी अथॉरिटी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अथॉरिटी होनी चाहिए, ताकि वो इफेक्टिवली वर्क कर सके. सो नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज अथॉरिटी एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन, मतलब कि डिसीजन लेने की जब हम पावर देते हैं किसी को देन इट इज़ कॉल्ड हमने उसको अथॉरिटी दी. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस एन ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम. जब हम किसी वर्क को टाइम पे कंप्लीट करने की जिम्मेदारी लेते हैं देन इट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो फ्यूल ने कहा कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होनी चाहिए. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड. और इसमें फ्यूल ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक बॉस होना चाहिए. यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा बॉसेज होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉइज जो होते हैं उनमें कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्प्यूट्स के चांसेस अराइज होने के ज़्यादा रहते हैं. और जो बॉस होते हैं उनमें भी आपसी डिस्प्यूट्स के चांसेस रहते हैं. एम्प्लॉइज डिस्टर्ब रहते हैं कि वो किसके ऑर्डर को फॉलो करें, किसके ऑर्डर को फॉलो ना करें, उनमें कन्फ्यूजन अराइज होता है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. एंड इन दिस प्रिंसिपल फ्यूल ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल होना चाहिए, एक सिंगल प्लान होना चाहिए, उसी प्लान पे सभी ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट्स को वर्क करना चाहिए. हालांकि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अपने पर्टिकुलर गोल्स होते हैं, बट इन दिस प्रिंसिपल फ्यूल सेज दैट कि सभी डिपार्टमेंट्स को अपने पर्टिकुलर गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ध्यान में रख के बनाने चाहिए. नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज स्केलर चेन. और स्केलर चेन में फ्यूल ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी होना चाहिए. यदि कोई टास्क परफॉर्म किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक प्रॉपर चेन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू आना चाहिए. किसी भी रिक्वायर्ड अथॉरिटी का एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए. और कोई भी कम्युनिकेशन अगर पास आउट किया जा रहा है तो प्रॉपर अथॉरिटीज़ के थ्रू होके जाना चाहिए, प्रॉपर चेन को फॉलो करना चाहिए. लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी स्केलर चेन या चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन को आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं. लेकिन जब आप स्केलर चेन को ब्रेक करते हैं तो देन सच कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड गैंग प्लैंग. तो आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ गैंग प्लैंग. तो गैंग प्लैंग एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम स्केलर चेन को ब्रेक करके इमरजेंसी में कोई भी एम्प्लॉय किसी भी एम्प्लॉय से इंट्रैक्ट हो सकता है डायरेक्टली विदाउट फॉलोइंग द चेन ऑफ अथॉरिटी. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. इस प्रिंसिपल ने फ्यूल ने इक्विटी एंड इक्वलिटी के ऊपर फोकस किया है. साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉइज़ के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है एज पर देयर एक्सपीरियंस, जेंडर, पोजीशन, कास्ट, कलर, ETC. हमें ऑर्गेनाइजेशन के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को सभी एम्प्लॉइज़ पे इक्वली अप्लाई करना है. यहाँ पे
इक्विटी का मीन्स है जस्टिस विद ऑल, मतलब हमें सबके साथ न्याय करना है। एंड इक्वलिटी का मतलब है फेयर ट्रीटमेंट विद ऑल, हमें सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट करना है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अपने एम्प्लॉइज़ के साथ नहीं करना है और एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज़ इनिशिएटिव ऑफ वर्क, एंड इन दिस प्रिंसिपल फ्यूल ने सीधा सीधा यही कहा है कि फॉर इफिशेंसी एंड इफेक्टिवनेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉई, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉइज़ को इनिशिएटिव देना है। इनिशिएटिव ऑफ वर्क, इनिशिएटिव ऑफ वर्क का मतलब है रिवार्ड देना है उनके सजेशंस का, रिवार्ड देना है उनके एडवाइजेस का, आइडियाज़ का। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉइज़ को प्रॉपर रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन प्रोवाइड करानी है ताकि वो इनक्रेज हो सकें, मोटिवेट हो सकें, अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को दें और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। इन्होंने कहा कि अगर यदि आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस डिसीजन को अप्लाई करने से पहले हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज़ के साथ बैठ के कंसल्ट करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, अपने एम्प्लॉइज़ की तरफ से यदि कोई सजेशन आ रहा है तो उसका वेलकम करना चाहिए, उस सजेशन यदि वर्कफुल है तो उस सजेशन पर एम्प्लॉय को रिवार्ड भी देना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने सीधा सीधा यही कहा कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ का एक प्लेस फिक्स करना है, राइट पर्सन एट अ राइट जॉब एट अ राइट टाइम। उन्होंने इस बात पे भी फोकस किया है इस प्रिंसिपल में, तो उन्होंने सीधा कहा कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ का एक प्लेस फिक्स करके हर जॉब पोजीशन पे उसी तरीके का एम्प्लॉय अपॉइंट करना है जिस तरीके की जॉब पोजीशन वो है, मतलब जिस तरीके की जॉब है उसी तरीके का अपॉइंटमेंट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ के प्लेसेस फिक्स करने चाहिए कि अकाउंटेंट कहाँ बैठना है, मैनेजर साहब कहाँ बैठेंगे, या जनरेटर टूल्स का रूम कहाँ पे है, जनरेटर रूम कहाँ पे है, इलेक्ट्रिसिटी रूम कहाँ पे है, फैक्ट्री कहाँ पे है, सुपरवाइजर साहब कहाँ बैठते हैं, ETC, मतलब हर चीज़ का एक मैनेजमेंट होना चाहिए, फिक्स प्लेस होना चाहिए, ऑल द थिंग्स शुड बी मैनेज इन ऑर्डरली फॉर्म। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ वर्क। अंडर दिस प्रिंसिपल फ्यूल सेज दैट कि हमें अपने एम्प्लॉई के अंदर से इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब को बिल्कुल हटा देना है और उनको एक फिक्स टेन्योर ऑफ वर्क देना है ताकि वो विदाउट एनी साइकोलॉजिकल एंड मेंटल प्रेशर के अच्छे से वर्क परफॉर्म कर सकें और अपने 100% प्रोडक्शन में दे सकें और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल है सीधा सीधा इसी बात पर फोकस करता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर से जो जॉब के छूटने या जॉब से निकाले जाने का जो डर है उसको ख़त्म करना है, उसको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज़ रेमुनरेशन, एंड इन दिस प्रिंसिपल फ्यूल ने कहा कि हमें अपने एम्प्लॉइज़ को जो सैलरी दे रहे हैं, जो वेजेस दे रहे हैं, फेयर एंड कम्पिटेटिव होनी चाहिए। द मीनिंग ऑफ फेयर यहाँ पे है सेटिस्फैक्ट्री, एम्प्लॉय ने जितना काम किया उस हिसाब से उसकी सैलरी होनी चाहिए। एंड कम्पिटेटिव का मतलब है कि हम जो अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी दे रहे हैं वो सेम लेवल के एम्प्लॉय की सैलरी के इक्वल होना चाहिए, मतलब कि आपकी कंपनी में एक ए पर्सन है वो एज ए मैनेजर वर्क कर रहा है और आपके सामने एक कंपनी है उसमें भी बी पर्सन है जो एज ए मैनेजर वर्क कर रहा है, तो दोनों की सैलरी इक्वल होनी चाहिए। इक्वल का मतलब यहाँ पे थोड़े बहुत वेरिएशंस चलते हैं लेकिन ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए अगर सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं तो। नेक्स्ट प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एंड दिस प्रिंसिपल फ्यूल्स इज दैट कि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। नाउ क्वेश्चन वाइज व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। सो द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज पावर टू टेक डिसीजन इन अ फ्यू हैंड, जब ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ही लोगों के हाथ में डिसीजन लेने की पावर होती है देन इट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल, जब हम डिसीजन लेने की पावर को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डेलीगेट कर देते हैं देन इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो फ्यूल ने कहा इफेक्टिव वर्क के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉम्बिनेशन रखना है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का, दोनों का। लेकिन हाँ, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसमें सिंगल ऑनर होता है और दो या चार एम्प्लॉइज होते हैं उस जगह पे सेंट्रलाइजेशन ही ज़्यादा इफेक्टिव है, वहाँ पे आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्प्लिट डी क्रॉप्स, और इन दिस प्रिंसिपल फ्यूल एम्फेसिस ऑन टीम स्प्रिट वर्क। इन इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने सीधा सीधी यही बात बोली है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क इज़ बेटर देन इंडिविजुअल एफर्ट्स के सिद्धांत पे काम करना है, हमें टीम वर्क पे फोकस देना है ना कि इंडिविजुअल वर्क पे। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किसी एक पर्सन के एफर्ट्स या वर्क पे डिपेंड नहीं करती है, उसमें सभी एम्प्लॉइज का हाथ होता है। इसीलिए एस्पेक्ट डे कॉप्स में उन्होंने टीम वर्क पे फोकस दिया है और कहा है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के साथ वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, और इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने कहा कि यदि किसी एम्प्लॉई का पर्सनल गोल ऑर्गेनाइजेशनल गोल को डिस्टर्ब कर रहा है तो पहले तो उस एम्प्लॉई को अपने पर्सनल गोल को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ रिकनसाइल करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि वो रिकनसाइल नहीं कर सकता है तो उसको अपने पर्सनल गोल को और फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेक्रीफाई कर देना चाहिए। द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, एंड इन दिस प्रिंसिपल फ्यूल ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इफिशेंसी लाने के लिए, प्रॉस्पर्टी लाने के लिए, सक्सेसफुल एनवायरनमेंट जनरेट करने के लिए डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। विदाउट फॉलोइंग डिसिप्लिन नोबडी कैन गेट सक्सेस इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने डिसिप्लिन का मतलब ओबीडियंस, एप्लीकेशन, बिहेवियर एस्पेक्ट बाई एम्प्लॉय ETC की बात की है। अब इन्होंने डिसिप्लिन दो बताए, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कमांड डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में उन्होंने बोला है जो एम्प्लॉयज के अंदर या ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के अंदर सेल्फ ओन सेल्फ जनरेट होता है, वो आपका सेल्फ डिसिप्लिन होता है, लाइक रेस्पेक्ट एंड ओबीडियंस। एंड कमांड डिसिप्लिन में उन्होंने कहा है कि जो आपके सीनियर अथॉरिटीज़ ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, पॉलिसीज बनाई हैं, उसको प्रॉपर फॉलो करना आपका कमांड डिसिप्लिन कहलाता है। सो दीज आर द 14 प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल। ये 14 प्रिंसिपल केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड आई होप अगर आप